खबरों की नई। मामला है नैथल ओपी क्षेत्र के कालीमाटी बस्ती स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का, जहां बच्चे पढ़ने तो आए थे लेकिन स्कूल के प्रचार पढ़ना छोड़ बच्चों को स्कूल के साफ सफाई के काम में लगा देते हैं। जहां साफ सफाई के दौरान कक्षा 6 के छात्र टुक टुक बावरी को सांप ने काट लिया है। हालांकि सांप काटने का एहसास बच्चे को नहीं हुआ था। जब बच्चा कक्षे में आकर बैठा तो अचानक उल्टी करने लगा, फिर पता चला कि सांप ने काट लिया है। लेकिन प्रचार दिलीप पासवान की बेशर्मी देखिए, बच्चे की हालत बिगड़ता देख भी बच्चे को अस्पताल लेकर नहीं गए। बाद में जब इसकी सूचना छात्र के परिजनों को मिली, तब छात्र टुक टुक के पिता के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और स्कूल में जमकर बवाल काटा। हंगामा की खबर पाकर नैथल ओपी प्रभारी बालाजी राजन सप्तल बल के साथ मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस के सहारे बच्चे को अस्पताल भेजा गया। हालांकि बच्चे की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। एक सर था जो ऊपर की घास सफा करो, तो सब लोग को जो सफा नहीं कर रहा वो लोग को ठेंगा ये लाठी दिखा के बोल रहा कि तू लोग को मारेंगे, सफा नहीं करेगा जा रहा तभी ये हमेशा करवाते हैं क्या सर ऐसा साफ सफाई छीड़ने के लिए बोलिए बुलाएगा कभी भी और अगर सपा नहीं करेगा तो लाठी लेके जो है ना लाठी लेके मारेगा हम लोग को भगाएगा जहाँ तहाँ बोला की कोई काम नहीं करता। ये घटना कैसे किस तरह से हुआ, जो ये बच्चा जो आज जो सांप काटा गया है क्या हुआ था? घास सफा कर रहा था ना, जो घास सफा कर रहा था ना, फिर वहाँ पर प्रार्थना किया, प्रार्थना करके क्लास में घुसा, क्लास में थोड़ा देर रहा छोटा बच्चा, वो बोला कि सर को बोला वो पहले तो बोला कि जाओ ये सर को पहले बोला कि देखे सर क्या कर रहा है कैसे हो गया, तो सर देखा एक बार देखा कि लेटरिंग कर लिया वो, तो उसके बाद नहीं चुआ वो, बोला कि उसका भैया है तो उसको बुला दो, तो हमको जाके बुलाया तो इसके पास ये सर लोग के पास गाड़ी भी था फिर भी नहीं आया नहीं गया। आपको सूचना मतलब आपको किन लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि आपके भाई ये हुआ है? धरंजय का भाई छोटा बच्चा था, वो आया तो हमको बोला कि बोला देखो क्या कर रहा हाँ पढ़ रहा। आप आए तो बच्चे को किस हालत में पाए? हम तो बोला डर लग गया बोला, लेकिन हेड कर लो कोई नहीं जुआ, लेकिन सब बोल रहा ना कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है। मुँह कान धो के नाश्ता करके घर से खेलते कूदते निकला, ठीक है, और बच्चा को यहाँ लाने के बाद मास्टर लेके गया अंदर लेके गया, हाजिरी तक बोले बनाया नहीं है, हाजिरी तक नहीं बनाया, मास्टर उसको घुमा के ले गया उधर जब कचरा साफा करवाया तो दो लड़का था संग में, उसको चिन्हे नहीं, वो बोला क्या कि आपको बच्चा को क्या हो गया, तो उसमें हक बकाने के तो हमको अधिकार है कि हमको हक बका के आने होगा। उस टाइम जब हम हक बका के आए हैं तो मास्टर क्या बोल रहा कि आए हैं आप लेके जाइए, वो कोई नियम हुए हैं, जब आपके पास गाड़ी सुविधा था तो आप गाड़ी उठा के घर तक ले जा सकते हैं ना, आपको तो घर दे दिए, बच्चा लोग को आप घर से उठा डंटा मार के ले जाते हैं, तो आप कम से कम लेके जाइए। मतलब किन लोगों के द्वारा आपको सूचना प्राप्त हुई कि हमारे? मेरा खुद लड़का बोला कहाँ गया है, बुलाकटा तो बुला हाँ अच्छा, वो खुद हमको बोला है। आप आए थे स्कूल में क्या हालत देखे? स्कूल में हालत हम देखे ये कि बच्चा मेरा पड़ा हुआ बस यही है पड़ा हुआ, मास्टर टंगड़ी उठा के बाहर में ऐसे बैठा हुआ, मास्टर को खाली वही बात बोला कि सर जब आप उतना जब देख रहे हैं तो बच्चे को कहा आप खबर नहीं किए, और जब इनको बोले तो ये बोला हमको 10-15 मिनट का बाद हमको बच्चे को बोला, इसकी कौन सी हुआ है बताइए। स्कूल के जो हेडमास्टर है उनके द्वारा क्या आपको क्या बोला गया? हेडमास्टर बोला हम लोग कुछ हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग कुछ किसी को काम करने नहीं दिए हैं। वहाँ से कुछ मतलब दिलासा कुछ सहायता नहीं मिला? नहीं कोई वहाँ का साथ सहायता कुछ हम लोग को नहीं मिला, खाली वही मास्टर हमको बोला कि आप उठा के डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाए, तो हम कहा डॉक्टर के पास काम ले जाने की दरकार नहीं है हमको, पहले हम घर ले जाएंगे घर में दिखाएंगे चेकअप कराएगा तब उसमें डॉक्टर पास हम ले जाएंगे, डायरेक्ट मास्टर सुता के छोड़ दिया, अब मास्टर आप बाहर में बैठा हुआ। क्या नाम है प्रधाना भाई यहाँ के जो हेड मास्टर है उनका क्या नाम है? की नाम है दिलीप पासवान। क्या चाहते हैं अभी आप? हम लोग चाहिए लड़का हम लोग सुरक्षा रहना चाहिए बस, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, ना हम लोग तोड़ फोड़ जानते हैं ना मारपीट जानते हैं, सीधा बात है हमारा घर में लड़का खुशियाल जो खेलता है हमको लड़का सीधा चाहिए बस।